जी अबू शेख, जी मेरा सवाल यह है कि ज्वाइंट फैमिली में ऐसा होता है कि चार पांच भाई होते हैं, तो बड़े भाई छोटे भाइयों को पढ़ाता है लिखाता है, बाद में कुछ इख्तलाफ हो जाता है, तो जी वो क्या बड़े भाई नाराज होकर वो बोलता है कि मेरा पैसा वापस करो, जितना हम तुमको पैसा लगाए हैं। हालांकि वो एहसान के नियत से ही पढ़ाता है, ये मालूम है, तो क्या वो पैसा वापस करना है वाजिब है वो छोटे भाई पर या वाजिब नहीं है, ये सवाल पूछना है। यस, जो जो भाई ने, हाँ जी, जी वाजिद अगर किसी ने किसी के ऊपर एहसान किया है, उसको खिलाया पिलाया है या पैसा दिया है या पढ़ाया है, कोई भी एहसान किया है, अब बाद में जब उसे गुस्सा आता है और वो एहसान जतलाता है, तो ये बहुत जी बड़ा गुनाह है। एहसान करके उसको जतलाना ये बहुत बड़ा गुनाह है। एक हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तीन तरह के लोगों की तरफ देखेगा भी नहीं, नजरे रहमत नहीं करेगा। उन्हीं तीनों में से एक कौन है? अल-मन्नान। जी अल-मन्नान कहते हैं कि एहसान करके जतलाने वाला। बहुत सारे लोगों की ओछी आदत होती है कि वो जज्बात में आकर के एहसान तो कर देंगे किसी के साथ, लेकिन जब जैसे ही जहां पर कहीं उन्हें गुस्सा आया, कोई चीज उनकी तबीयत के खिलाफ गई, फौरन वो एहसान जतलाएंगे। ऐसे जी आदमी के लिए इतनी बड़ी वहीदत, गोया कि एहसान जतलाना ये कबीरा गुनाह है कि अल्लाह ताला की नजरे रहमत से ऐसा आदमी महरूम हो जाएगा। तो पहली बात ये कि जी एहसान जतलाना ये बहुत बड़ा गुनाह है। दूसरी बात ये कि अगर वो मुतालबा करता है कि मैंने जो तुम पर खर्च किया है वो मुझे वापस लाओ, तो ये भी जायज नहीं है। ये जायज नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अलआइदु फी हिबतिही कलकल्ब अल्लज़ी यऊदु फी क़ैहि। अगर कोई आदमी किसी को कोई चीज हेबा कर देता है, जाहिर है हेबा एहसान ही है, अगर कोई चीज जी आप किसी को हेबा और हदिया कर देते हैं, दे देते हैं, बाद में उसको मांगते हैं, तो ये ऐसे है जैसे कोई कुत्ता कई करे और कई करके फिर दोबारा उसको खा ले। तो ये जी भी कबीरा गुनाह है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते से मिसाल दी, और कुत्ते से जहां पर भी मिसालें दी गई हैं, ये मकामे दम है, तारीफ करने के लिए नहीं बल्कि बुराई बयान करने के लिए दी गई है। तो लिहाजा ये भी कबीरा गुनाह है अगर कोई आदमी किसी को दे करके फिर मांगता है। तो अगर वो मिन बाबिल एहसान दिया है तो हाँ, अगर उसने कर्जा देकर कह करके दिया है तब तो मांग सकता है, लेकिन अगर उसने एहसान किया है तो नहीं मांग सकता। जी तो शेख अबुदला इसमें एक और, हाँ जी, इसमें ये सवाल बनता है कि तो वो छोटा भाई उसे बोल सकता है कि हम तुमको वापस नहीं करेंगे, तुम कुछ भी करो हम वापस नहीं करेंगे, तुमने एहसान के नियत से हम पर खर्च किया था, हम नहीं देंगे, ऐसा बोल बिल्कुल, सकते हैं ना? बिल्कुल, अगर वो एहसान की नीयत से दिया था तो बोल सकता है। लेकिन एक बात यहाँ पर इस मसले का एक पहलू और भी है, वो ये जी है कि अगर कोई आपके साथ एहसान करे तो आपका अखलाकी फरीजा बनता है कि उसके एहसान का बदला आप एहसान से दो। देखिए, दोनों आदमियों जी की जिम्मेदारियां तय की गई। जो एहसान कर रहा है उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो जतलाए ना, वो मांगे ना, ये उसकी जिम्मेदारी जी है। दूसरे वाले को कहा गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि मन अहसना इलैकुम फकाफिउहु, अगर कोई तुम्हारे जी साथ कोई खैर करे, कोई भलाई करे, कोई एहसान करे, तो तुम उसका बदला दो। अगर उसका बदला तुम नहीं दे सकते हो तो कम से कम उसके लिए दुआ करो। तो दुआ करना जी भी उसके साथ एहसान है, तो दुआ करो, इतना करो कि आपको लगने लगे कि उसने जितना एहसान किया था मैंने उतना दुआ दे दिया। तो एहसान का बदला बुराई से नहीं देना है। जी तो इसलिए दोनों बातें याद रखें, एहसान करने वाला उसको जतला नहीं सकता, मांग नहीं सकता, जो जिस पर एहसान किया गया है वो उसका बदला भलाई के साथ दे, ना कि वो जो है हमारा ये फतवा सुन करके अकड़ जाए और कहे कि जाओ हम जो करना है कर लो, हम कुछ नहीं करेंगे। उसको नरमी के साथ बतला जी दे कि भाई आपने एहसान किया था, इंशाल्लाह आपको उसका आजर मिलेगा, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, और जब मौका पड़ेगा तो मैं भी आपके साथ इंशाल्लाह एहसान ही करूंगा, लेकिन यह है कि उसके लिए मांगना जायज नहीं है। अगर से भाई के पास है तो अगर लौटा दे तो अफजल है, अगर दे देता है तो अपनी मर्जी से। भाई लौटाना वो मांगने का हकदार है ही नहीं। दोनों बातों को जी अलग अलग आप समझें। वो मांगने का जी हकदार नहीं है, जो सामने वाला है वो एहसान का बदला एहसान से देने के लिए कहा गया है, तो जाहिर है जब वो उसके ऊपर
पलट करके उसके ऊपर एहसान अगर करता है तो ये बिल्कुल अफजल है, बहुत अच्छी बात है।